अब अल्लाह ताला उन मुनाफिकीन के बारे में फरमा रहा है कि इनका हशर क्या होने वाला है, इनको तो अजाब की किस्त मिलनी है। वलौ तरा, और काश तुम वो देख लो वक्त, इदा यतवफ्फल्लज़ीना कफरू, कि जब निकालते हैं काफरों की जान, अलमलाइका फरिश्ते, यदरिबूना वुजूहहुम, वो मारते हैं उनके चेहरों पर, वह अदबारहुम और उनकी पीठों पर। यानी अल्लाह ताला फरमाता है मुनाफिको, काश तुम्हें वो वक्त नजर आ जाए, जब वो उस वक्त नजर आ जाए तो फिर बंदा ईमान ही ले आए। लेकिन तुम्हें समझाया जा रहा है कि जब इन काफिरों की मौत का वक्त करीब आता है ना, इसमें वो मुनाफिक भी शामिल हैं जो ऊपर से ईमान लाया है, तो वो भी काफिर ही है, बल्कि काफिरों से भी बदतरीन चीज है। इस पर मैंने मसला नंबर 34 के नाम से मुनाफिकीन के हवाले से गुफ्तगू की है। तो ये तो बदतरीन मखलूक है। तो काश तुम वो वक्त देख लो कि जब इनकी मौत का वक्त आए तो इनको फरिश्ते इनके मुंह और पीठों पर हथौड़े मारते होंगे। वजूक व अजाब अल हरीक, और उन्हें कहा जाएगा अब चखो अजाब आग का। लिहाजा ये आयत भी इनडायरेक्टली अहल सुन्नत और अहल तशय्यो का जो कॉमन मुकदमा है कि अजाब कब्र बरहक है, उसको मजबूत करती है। क्योंकि जो मुनकरीन अजाब कब्र हैं वो इस बुनियाद पर अपना नजरिया पेश करते हैं कि चूंकि हिसाब किताब क्यामत के दिन होना है, तो क्यामत के दिन से पहले अजाब हो नहीं सकता। जब तक हिसाब ही नहीं है तो अजाब किस चीज का। जबकि अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का इजमा और अमली तवातुर है, बुखारी और मुस्लिम की दर्जनों अहदीस इस पर गवाह है कि अजाब कब्र भी होता है। तो उनका मुकदमा इस आयत के तहत खत्म हो जाता है, वो इसलिए कि अभी क्यामत तो कायम नहीं हुई और मौत के वक्त फरिश्ते उनको मार रहे हैं, तो फिर यहां क्यों मार रहे हैं। जो उसूल और मुबादी उन्होंने खड़ा किया था वो तो टूट गया कि जी क्यामत के हिसाब किताब से पहले अजाब नहीं हो सकता। तो ये अब मौत के वक्त जो अजाब आ रहा है, नजा के आलम में फरिश्ते उनको मार रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि चलो अभी बड़ा अजाब भी तुम्हें होना है। तो ये बात समझ लें, किताब और सुन्नत की रोशनी में पूरी उम्मत का इजमा है इस बात के ऊपर, अहले सुन्नत का, अहले तशय्यो का, तमाम इनके जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कि अल्लाह ताला का जो अजाब अपने गुनाहगार बंदों पर आना है उसकी चार किस्तें हैं। एक तो दुनिया के अंदर, वो सूरह सजदा के अंदर आएगा, अलिफ लाम मीम सजदा पारा नंबर 21 में, कि हम दुनिया की जिंदगी में भी इन्हें अजाब देंगे, शायद ये हमारी तरफ लौट आए। तो दुनिया में जो अल्लाह की तरफ से तकलीफ आती है ये भी अजाब की एक शक्ल होती है, जो शायद इस वक्त मुसलमानों के ऊपर आई हुई है। अच्छा, दूसरा मौत के वक्त, तीसरा कब्र में, और चौथा फिर फाइनल अजाब आखरत के दिन। और ये बदला है उसका जो तुम्हारे अपने हाथों ने आगे भेजा। और बेशक अल्लाह ताला तो अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है, अल्लाह ने कोई जुल्म नहीं किया, तुम्हारे करतूत बुरे थे, आज तुम अजाब का मजा चख लो।